हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस स्कूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे 2020 के लिए। तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। यदि दोस्तों आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएच स्केल किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो जो पीएच क्या होता है, पीएच होता है आपका पोटेंस हाइड्रोनियम। पीएच क्या होता है, पोटेंस हाइड्रोनियम, यानी अम्ल और क्षार है, उसकी जांच के लिए हम कौन से स्केल का प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो पीएच स्केल की परिभाषा है, एकदम शॉर्ट है, आपको इस तरीके से तैयार करनी है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। या फिर पीएच स्केल की परिभाषा ये भी याद कर सकते हो आप, कि जो अम्लता है और क्षारकता है उसकी जांच के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, अम्लता और क्षारकता की जांच के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल का जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच स्केल कहा जाता है, या फिर अम्लता या फिर क्षारकता की जांच के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। यानी द पीएच स्केल इज द मेनस लगरथम ऑफ द कंसेक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन है टोटल, तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। 2020 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आने के 98% चांस है इन क्वेश्चनों के। तो अगला क्वेश्चन आपके, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है आपका, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, यानी प्रबल अम्ल की बात करते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब यहाँ पर क्या है, घुलना। आयनित का मतलब क्या है यहाँ पर, घुलना, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं, एक तो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक होता है HNO3। अब बेटा एक ट्रिक है इसकी, आप इस ट्रिक के मदद से इनके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, हंसना। इस ट्रिक को आप याद रखना है हंसना से। अब यहाँ है का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, जो मैंने HCl लिख दिया, यानी इसका फार्मूला होता है HCl। उसके बाद में है आपका सल्फ्यूरिक, यानी से। पहला वर्ड मैंने है लिया, है से हंसना, और दूसरा है बेटा से। से का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो सेकंड एग्जांपल ये हो गया। तीसरा आपका ना, ना का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। ना का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला मैंने क्या लिया है, HNO3। तो इस ट्रिक की मदद से आप इनको तैयार कर सकते हैं। अगला आपका वीक एसिड, यानी दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, यानी जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। इनके एग्जांपल है CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल, और ये है कार्बनिक अम्ल, यानी H2CO3। तो इसकी ट्रिक बेटा क्या तैयार करनी है आपको, क्या याद रखनी है, एक का नाम याद रखना आपको। ए से आपका क्या है, एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH, और का से आपको क्या याद करना है, कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और ट्रिक भी आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 3 का क्वेश्चन है, इनमें तीन श्रेणियाँ आपके चलती हैं। तो इन तीन श्रेणियों में एक फार्मूला जरूर पूछता है एग्जाम में, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो आप इन तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहला आपका एल्केन, एल्केन श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला है आपका एल्किन, एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है,
CnH2n क्या होता है, CnH2n। अगला है आपका एल्काइन, तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। तो ये तीन फॉर्मूले आपको एक नंबर बोर्ड में दिलाएंगे, ये तीन फॉर्मूले आपको बोर्ड में एक नंबर दिला सकते हैं यदि आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके है फिरियोन 11, फिरियोन 12, फिरियोन 112, फिरियोन 113 के सामान्य सूत्र लिखिए। तो बेटा इनमें से भी एक फार्मूला ज़रूर पूछता है एग्जाम में, एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है उनमें, एक क्वेश्चन 100% आता है। तो फिरियोन 11 है, इसका फार्मूला क्या होता है, CFCl3, और फिरियोन 12 का क्या होता है, CF2Cl2, और फिरियोन 112 का क्या होता है, C2F2Cl4, और फिरियोन 113 का क्या होता है, C2F3Cl3। तो इस तरीके से आप इन चारों फॉर्मूलों को, चारों सूत्रों को अच्छे तरीके से तैयार करना है और एक नंबर का काम बनाना है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम लिखिए, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, तो इनमें आप दोनों लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। तो बेटा ये याद नहीं रहेंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना दिया है, ट्रिक का नाम क्या है, ईंट पर नाच, यानी ईंट पर नाच। तो ई से आपका क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन, ई से आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ट से आपका हो गया थॉमसन, ट से आपका क्या हो गया, थॉमसन, यानी जे थॉमसन। उसके बाद में है पै, पै से आपका क्या हो गया, प्रोटॉन, और र से हो गया आपका रदरफोर्ड, वैसे आपका क्या हो गया, प्रोटॉन, और रह से आपका क्या हो गया, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, तो आप इनमें से एक लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके न्यूट्रॉन, अगला आपके क्या है, न्यूट्रॉन, तो ना से आपका हो गया न्यूट्रॉन, ना से आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और चे से आपका हो गया चैडविक, यानी जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की खोज बेटा किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। धन्यवाद।